नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है चेतन नागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप हमारी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, आप ऊपर आई बटन में जाइए, वहां पे आपको बहुत सी वीडियोस के लिंक मिलेंगे। रिवीजन टाइम सीरीज हो गई, माइंड मैप सीरीज हो गई, आप सोर्स बेस्ड मैप क्वेश्चन और वन मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेंगे। आप जाओ पहले उन वीडियोस को देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। आपकी आज कुछ भी नहीं समझ पाओगे इस वीडियो में, ठीक है? तो पहले उन वीडियोस को जाके देखो, उन टॉपिक्स को समझो और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों अगर बात करें आज की वीडियो में हम कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले, तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अटेम्प्टिंग हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम सैंपल पेपर। आज की वीडियो में हम आपके सामने हिस्ट्री सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। जो 3 घंटे का पेपर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, वो ही सिमिलर पेपर आज हम अटेम्प्ट करने वाले, ठीक है? आपको पता है दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने मेंशन कर सकते हो, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर और एक स्टूडेंट ने मेंशन करा था कि हम एक सैंपल पेपर को सॉल्व करके दिखाएं, तो उनके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों पहली चीज मैं अपने उस सब्सक्राइबर और स्टूडेंट को ये मेंशन करना चाहूंगा कि हम लेट हो चुके हैं, ठीक है? लेट हो चुके हैं मतलब है कि उनका जो कमेंट आया था वो बहुत पहले आया था और हमने वीडियो बहुत ही लेट लाई है। लेकिन इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि उस वक्त पे ना ही हमारी रिवीजन सीरीज कंप्लीट हुई थी, ना ही हमको ये पता था कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मैप क्वेश्चन, वन मार्कर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और अगर मैं उस वक्त पे ये वीडियो लेके आता तो मोस्ट बेसिकली आप में से बहुतों को वीडियो समझ नहीं आती कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है? लेकिन अब जब हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, सभी चीजों को हमने क्लियर कर लिया है, अब आज ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करने वाली, ठीक है? तो भले ही लेट है लेकिन वो कहावत है ना, सबर का फल मीठा होता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पहली चीज ये कि कुछ बेसिक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली चीज, 3 घंटे का पेपर होता है, हम आपको उसको 10 मिनट की वीडियो में लेके आ रहे हैं, तो कुछ चीजों को आपको समझना होगा कि 3 घंटे पूरे हम नहीं समझा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप भी उस वक्त बोर हो जाओगे, ना ही आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, बोर हो जाओगे और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लीव करने की कोशिश करोगे। इसीलिए 10 मिनट का एक शॉर्ट कंसेप्ट लाए हैं। 10 मिनट में ही हम बात करने वाले हैं कि 3 घंटे के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे सॉल्व करें, ठीक है? तो 10 मिनट की वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि आप अपने 3 घंटे के पेपर को कैसे सॉल्व करोगे। हम पूरे पेपर को ही सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, किसी भी सेक्शन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? दूसरी चीज, क्वेश्चन पेपर को अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वहां पे जाके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो। सबसे पहली चीज, आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, उसके बाद वीडियो को समझना स्टार्ट करना। दूसरी चीज, पेन और पेपर के साथ बैठ जाओ, एक जगह पे बैठ जाओ, 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। पेन और पेपर के साथ बैठ जाओ, जो चीज इंपॉर्टेंट लगे, जिसको मैं इंपॉर्टेंट कहूं उसको वहां पे मार्क कर लेना, ठीक है? जो टिप कहे, जो ट्रिक होए, उसको वहीं पे लिख लेना। उसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे कि सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए और बी है आपके वन मार्कर क्वेश्चन, जिसको हम ऑन बोर्ड सॉल्व करने वाले हैं, उनके आंसर आपको बोर्ड पर मिल जाएंगे। सेक्शन सी एंड डी, सेक्शन सी एंड डी को हमने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, तो जो क्वेश्चन है उनको आपका आंसर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर मेंशन होगा, वीडियोस का लिंक मेंशन होगा, वहां पे जाके वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वीडियो देखो, थोड़ी बहुत और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस टॉपिक में से हम अपने आंसर को कैसे फॉर्म करें। आंसर आपको उसी वीडियो में से मिलने वाला है, ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, लेकिन आंसर फॉर्म कैसे करोगे वो आप देखो, क्योंकि जितना ज्यादा आंसर फॉर्मेशन के ऊपर काम करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। उसके बाद सेक्शन ई, सेक्शन ई को हिंट हम देंगे ऑन बोर्ड, हिंट प्रोवाइड करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के, लेकिन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिल जाएगी, उसको जाके डाउनलोड करना। लेकिन एक चीज कहूंगा कि पहले एक बार हिंट लेकर खुद प्रैक्टिस करना, खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। आंसर तो मिल जाएगा, आंसर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, लेकिन आंसर पे डायरेक्टली आंसर पे जाने से पहले एक बार खुद प्रैक्टिस करना,
ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद सेक्शन एफ मैप बेस्ड क्वेश्चन, वो आपको ऑन बोर्ड उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि सेक्शन ए एंड बी, सेक्शन एफ डायरेक्टली उनके आंसर्स आपको बोर्ड में मिलेंगे, सेक्शन सी और डी को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे क्लिक कर लेना, वहां पे आपको सभी वीडियोस और सभी आंसर्स मिल जाएंगे, और सेक्शन ई पार्शियली डिस्कस करेंगे बोर्ड के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके आंसर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डायरेक्टली अपने आंसर के ऊपर चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे सेक्शन ए के साथ। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वन मार्कर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ग्राउंड सैंड और सिलिका, इसका इस मटेरियल से बना हुआ होता है और डिफिकल्ट टू मेक है, इसीलिए वो रेयर और पीसेस माना जाता है। उसके बाद सेकंड आंसर है आपका वीएस सुखथांकर, यहाँ पे आप अपने आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हो, अपना ईयर ऐड कर सकते हो, 1919 में थे और उन्हें क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता बनाया था। यहाँ पे आपको वन वर्ड में आंसर दिख जाएंगे, लेकिन जब आप इन आंसर्स को कंपोज करोगे तो कंप्लीट सेंटेंस में फॉर्म बना। ठीक है, उसके बाद थर्ड आंसर है बॉटम ऑफ हायरार्की, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि आपके शूद्रा से भी नीचे के स्टेटस पर रखा जाता था चांडालास को, उनके ड्यूटीज के बारे में बता सकते हो, उनके नोशन के बारे में बता सकते हो। उसके बाद फोर्थ आंसर है आपका ऑप्शन सी बी, फिफ्थ आंसर आपका ऑप्शन सी, सिक्स्थ आंसर है आपका व्हेन ऑर्डिनरी पीपल बिगन ज्वाइनिंग द रिवॉल्ट द टारगेट्स ऑफ अटैक वाइडन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट को रीराइट करना था, तो आपकी यही सही स्टेटमेंट ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी। एट आंसर है आपका चेंज ऑफ क्लाइमेट, कोई से भी डिफरेंट रीजंस है, बुक के अंदर बहुत से रीजंस मेंशन करे हुए हैं, आप किसी भी एक रीजन को मेंशन कर सकते हो और उसके बाद थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशन दे सकते हो। ठीक है, नाइन्थ आंसर है आपका बोर अवतार ऑफ विष्णु रेस्क्यूइंग अर्थ आई होल कर्नाटका। ठीक है, तो ये जो इमेज वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ी बहुत इमेजेस देख के जानी पड़ेंगी बुक के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे ए और आर, ए मतलब एजर्शन, आर मतलब आपका यहाँ पे रीजन है, तो मतलब कि जब आपका एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस तरीके से अपने आंसर को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 11 का आंसर है बी, ऑप्शन बी आंसर। 12 है आपका जनपदा, ठीक है वो तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, देखते ही पता चल जाता है। क्वेश्चन 13 का आंसर है डिक्लेयरिंग द्रौपदी एज अ कॉमन वाइफ, यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपका अपना पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो एक चैलेंजिंग आप कह लो डिक्लेरेशन हो सकता है, जो एक चैलेंजिंग आपका जो रीजन था वो बता सकते हो, लेकिन उसके लिए महाभारता पता होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात। उसके बाद 14 क्वेश्चन को देखें तो उसका आंसर आपका ऑप्शन सी, 15th का है 1990 ईयर और आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 52। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं इसके बाद आपके सेक्शन नंबर बी के बारे में। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं आंसर अपने सेक्शन बी के। तो सेक्शन बी में आप देखोगे तीन पैराग्राफ मिलेंगे, आपको चार चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चारों में से आपको किन्हीं तीन का आंसर देना पड़ता है। ठीक है, ये वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, ये आपके वन मार्कर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जहां पे सोर्स में से ही आपको इनका आंसर मिल जाएगा और ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 के चार पार्ट्स मैंने चारों के आंसर कर दिए, आपको जो आंसर आता हो, जो हमसे तीन का आता है उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट का है आंसर डी, सेकेंड का है भी आंसर डी, थर्ड का आंसर बी और फोर्थ का ऑप्शन डी। ठीक है, 18 में देखें तो 18 में फर्स्ट का ऑप्शन सी, सेकेंड में ऑप्शन ए, थर्ड में ऑप्शन सी एंड फोर्थ में ऑप्शन बी। एंड लास्ट 19 में अगर हम देखें तो फर्स्ट का है ऑप्शन डी, सेकंड का है ऑप्शन सी, थर्ड का है ऑप्शन सी एंड फोर्थ का है ऑप्शन ए। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही जल्दी आंसर दे दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आंसर दे दिया, लेकिन अब जब आप जाओगे पेपर को समझोगे, अगर आपको कोई हर्डल आता है, कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लेना, वहां पे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसका पूरा जस्टिफिकेशन और पूरा उसका रीजन मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इसके बाद हम बात करें सेक्शन सी और सेक्शन डी के। तो सेक्शन सी है आपके थ्री मार्कर क्वेश्चन का, जिसके अंदर आपसे चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन डी है आपके एट मार्कर क्वेश्चन का, ठीक है, जिसके अंदर आपसे तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चंस के लिए, दोनों ही सेक्शंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन मेंशन है, जैसे कि क्वेश्चन 20, 21, 22 एंड 23, उनके आगे वीडियोस के लिंक है, वहां पे जाओ, वीडियोस को क्लिक करो, वीडियो को देखो,
उसी वीडियो में आंसर है और वहीं से अपने आंसरों को फॉर्म करो, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं सेक्शन ई के बारे में। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं सेक्शन ई के आंसर के बारे में। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, सेक्शन ई, जो कि है आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ये वही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, जहां पे हमने बात करी थी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए सिर्फ हिंट प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस करना, और अगर प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आंसर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे बात करी थी कि आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे चार क्वेश्चन है, इसमें तीन, दोनों में तीन तीन है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी वैरी कर सकते हैं। आंसर के बारे में बात करें तो 27th क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का आप देखोगे कि फर्स्ट पार्ट का आंसर विद इन द पैराग्राफ मिलेगा, सेकंड पार्ट का आउटसाइड द पैराग्राफ। आपको बुक पता होनी चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, उस पैराग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन भी आपको विद इन द पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें तो आप देखोगे उसके फर्स्ट टू फोर सभी पार्ट्स आपको विद इन द पैराग्राफ मिल जाएंगे, सभी आंसर आपको विद इन द पैराग्राफ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में भी सिमिलर है, तीनों ही पार्ट्स के आंसर आपको विद इन द पैराग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा आसान है, उसके अंदर ही आंसर मिल जाएंगे, वहीं पे जाके आपको मिल जाएंगे आंसर, जहां पे आप उनको देख सकते हो। और आंसर अगर नहीं मिल पा रहे हो, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, और अगर प्रैक्टिस कर ली हो तो उसके बाद अपने आंसर को मैच कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि आपका सेक्शन एफ। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन को, सेक्शन एफ, जो कि आपके मैप क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने बात करी थी मैप बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो थी, कि आपके कुछ पर्टिकुलर साइट्स को आपको मार्क करना पड़ता है, और कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो पहले से मार्क करी भी होती है लेकिन आपको उनका नाम बताना पड़ता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको साइट्स को मार्क करना है, लेबल करना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, वहां पे जाके आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पे आंसर मिल जाएंगे। और जो दूसरा पार्ट है जहां पे तीन साइट्स मेंशन है, ए, बी और सी, उनके आंसर आप सभी के सामने है। साइट ए है आपकी पानीपत, साइट बी है अजमेर, और साइट सी है गोवा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। अगर अभी भी आपको कुछ पर्टिकुलर डाउट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से, या और किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, या किसी भी टॉपिक से अगर आपको कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को एक बार रैप अप करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।